वेलकम क्लास। लास्ट क्लास में हमने हिरणों की विभिन्न जातियों और उनकी संरचना और व्यवहार के बारे में चर्चा की थी। आज हम एंटीलोप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में चार एंटीलोप की प्रजातियां जो है वो पाई जाती है। इसमें पहला देख रहे हैं हम यहाँ पर चिंकारा, या भारतीय गजेल इसको कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके सबके जूलॉजिकल नेम जो है वो आप याद रखें, इसको गजेला इसका जूलॉजिकल नेम है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दूसरा है ब्लैक बक, या इसको इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है, एंटीलोप सर्विकेपरा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर कि इसका जूलॉजिकल नेम बताइए, एंटीलोप सर्विकेपरा। एक है चोसिंगा, जिसको हम कहते हैं फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, या चोसिंगा इसको कहा जाता है, टेट्रासेरेस क्वाड्रिकॉर्निस। इनके चारों के नाम आप अच्छी तरह से याद कर लें। एक है नील गाय, जिसके बारे जिससे आप परिचित हैं, इसको बॉसिफेलस ट्रेगोकेमिलस इसका जूलॉजिकल नेम है। ये इसको भी सामान्यतः हिरण कह दिया जाता है, लेकिन ये हिरण से अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं चिंकारा की। ये इसका डायग्राम है, इसको हॉर्न से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का होता है। तो ये समतल भूमि या छोटी पहाड़ियों पर पाया जाता है। भोजन इसका घास और जो छोटे पौधों के फल फ्रूट हैं ये उनको खाता है। ये जल के बिना लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि इन पौधों के ऊपर जो ओस जमी होती है उससे भी ये भोजन अपना ले लेता है। आप अगर इसको मैदान में देखेंगे तो इसकी पूंछ जो है वो आपको हमेशा हिलती हुई नजर आती है। दूसरा आपका ब्लैक बक या काला हिरण, ये मेरा लिया हुआ पिक्चर है जो कि सोरसन ब्लैक बक सेंचुरी कोटा के आगे वहां से लिया था। इसको काला मृग भी कहा जाता है। 80 सेंट, ये इसका बच्चा है इसके साथ में, और ये मेल है। ये वास्तविक एंटीलोप है, घास के मैदानों में रहता है। सींग जो है इसमें नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं और स्थाई होते हैं, और शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। मेल आप देख सकते हैं इसके अंदर की गहरे काले रंग का ये होता है। एक और ब्लैक बक सेंचुरी हमारे यहाँ पर ताल छापर में है, उसके भी कभी आपको मैं फोटोग्राफ जो है वो दिखाऊंगा। तो नर में सर्पिल रूप से ऐंठे हुए ये श्रृंग जो है वो पाए जाते हैं, और आंखों के चारों ओर एक श्वेत रंग का छल्ला जो है वो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर, ये इसकी पहचान है। पीठ के ऊपर काला रंग केवल नर में पाया जाता है, और आंखों के चारों ओर एक वाइट छल्ला जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये एक बार में 1 से 2 बच्चे देते हैं, और ये सबसे सुंदर दिखने वाला एंटीलोप जो है वो होता है। चौथा हो गया आपका चोसिंगा। चोसिंगा इसका नाम फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, चार सींग जो है वो इसके अंदर होते हैं, इसके कारण से इसका ये नाम जो है वो पड़ा है। तो केवल मात्र इसी प्राणी में चार सींग पाए जाते हैं। तो ऊपर से लाल भूरे रंग का और नीचे से सफेद रंग इसका यहाँ पर होता है। ऊपर से ये ब्राउनिश होता है, नीचे से व्हाइट कलर का ये होता है। मादा जो है वो उसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। फिर लास्ट में आ जाते हैं हम ब्लू बुल के ऊपर। ये नील गाय आपने देखा हुआ है, इसको घोड़े के समान ये नजर आती है, किसानों को बहुत अधिक नुकसान जो है पहुंचाती है, और बहुत ये जंप कर सकती है खेत के चारों ओर, जो बाढ़ होती है उसको भी जंप कर जाती है, और इसकी वजह से बहुत बार जो है आपको एक्सीडेंट भी नजर आते हैं कि ये जब ये जंप करती है तो जो फोर व्हीलर और टू व्हीलर को से ये अक्सर इसकी टकराने की घटनाएं हम सुनते रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, 140 सेंटीमीटर ऊंचाई का जंतु है, और जो एडल्ट है वो उसमें आयरन ब्लू कलर इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयरन ब्राउन कलर, लोह के समान भूरा रंग जो है वो। ये 5 से 6 के समूह में रहता है, और मादाओं का रंग जो है वो हल्का भूरा होता है, और टखने के नीचे श्वेत वलय या गाल पर 2 श्वेत धब्बे इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। गले में भी यहाँ पर इसका सफेद रंग होता है, और गाल के ऊपर भी 2 सफेद रंग इसके यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके कान का भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, और नर में ये इस तरह के बाल जो हैं वो इसके गर्दन के नीचे की ओर पाए जाते हैं। तो जनरली ओवरऑल हम देखें तो हिरणों की जो ऊंचाई है वो 1 से 1.5 मीटर के बीच में हो सकती है। अगर हम वर्ल्ड में इंडिया के बाहर पाए जाने वालों की बात करें तो एल्क जो है वो 2 मीटर से लेकर के 1 टन तक का हो सकता है, और दक्षिण अमेरिका का एक पुडू जो हिरण है वो 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक का होता है, 9 किलो वेट इसका होता है। तो काफ़ी वेरिएशन इनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो हिरण जो है वो तेज गति से भाग सकता है, छलांग लगा सकता है, और बिना पानी के भी काफ़ी समय तक ये रह सकता है। तो इसको बहुत अधिक शिकार जो है वो इनका किया जाता है, जिसके कारण से ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसे हम बात करें ब्रिटिश आइजेल्स की वनों में, तो वहाँ वनों को काटे जाने के कारण से वहाँ हिरणों की जो 3 प्रजातियाँ थी, लाल हिरण, फैलो और रो, ये लुप्त हो चुकी है। अब इनके पारंपरिक दुश्मन कौन है व्यवहार की अगर हम बात करें तो भेड़िया, रीछ, लोमड़ी और प्यूमा जो है वो इनका सबसे बड़ा पारंपरिक दुश्मन है। लेकिन
कई सालों से ये देखा गया है कि मनुष्य जो है वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके मांस और सींग के लोभ के कारण से इसका शिकार करते हैं, और जो ट्रॉफी के रूप में इनको ड्राइंग रूम्स वगैरह में सजाया जाता था, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बैन जो है वो कर दिया गया है। तो अमेरिकन जो रेड इंडियंस थे वो इनको तेज धूप में आग के ऊपर पकाते थे, इससे हिरणों का भार कम हो जाता है और उसके बाद में इसको ये ट्रांसपोर्टेशन इसका कर सकते हैं। तो हिरण अगर आप प्राकृतिक आवास में देखें तो मनुष्य से दूर रहने वाला प्राणी है, और लेकिन गर्मियों में पान पानी की आवश्यकता इसको जब होती है तो इसको पानी के वहाँ पर आना पड़ता है, और मुख्य भोजन इसकी वृक्ष की छाल, पत्ते, मांस या फंजाई जैसा कि वहाँ उस वातावरण में अवेलेबल है वो वहाँ पर इनको खाता है। पानी पीते समय पर आप इनको देख सकते हैं कि ये काफ़ी चौकन्ने होते हैं और अपने शिकारियों के प्रति ये अधिक सेंसिटिव होते हैं, ध्यान ये अपना उस समय पर अधिक रखते हैं। यदि कोई प्राणी हमला करता है तो ये वहाँ से भाग जाते हैं, और भागने में सफलता नहीं मिलती है तो वो दूसरे तरीके से अपना स्वयं का बचाव करना जानते हैं, छलांग लगा लेते हैं ये। तो कई नेशनल पार्क हैं, जैसे राजस्थान में मैंने आपको बताया दो जो मेरे देखे हुए हैं, वो एक तो आपका हो गया सोरसन हो गया कोटा के पास में है, एक चुरू में आपका ताल छापर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ब्लैक बक सेंचुरी के साथ साथ वहाँ पर जो है काफ़ी राप्टर्स जो हैं वो भी आते हैं, पक्षी जिनको देखने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। मैं भी एक बार गया था वहाँ पर 3 दिन तक वहाँ पर रह करके और इसको देखा था, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में आपको ब्लैक बक जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो हिरण जो है वैसे तो शांत होता है, लेकिन प्रजनन काल में हिरण जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और सींगों के साथ में ये इनको लड़ते हुए हम देख सकते हैं, सींग टकरा करके एक दूसरे से ये लड़ते हैं। तो ये समूह में रहते हैं, और सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें, हम जो व्यवहार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें ये मोनोगेमस से पॉलीगेमस प्रकार की व्यवस्था इनके अंदर देखी जा सकती है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात करें अगर हम, तो वो 200 से 300 तक हो सकती है, यानी ये बहुत वेरी इनकी करती है। लाल हिरण जो सर्विस इलेपस है वो यूरोप और स्कॉटलैंड में पाया जाता है, और नर में देह पर श्रृंगों में वृद्धि होती जाती है, और मादा के समूह पर कब्जा करने के लिए नरों में युद्ध होता है। तो जिस हिरण में सींग बड़े हैं और जो बलशाली है वो सींगों को टकरा करके एक दूसरे से लड़ते हैं ये, और इस प्रकार से एक दूसरे को धकेला जाता है, और कई बार नर की मृत्यु भी इसके अंदर हो जाती है। जो विजेता नर होता है वो हरम के ऊपर अपना अधिकार जो है वो रखता है, क्योंकि अगर सींग अगर टूट जाते हैं इनके तो फीमेल जो है वो इनको सेलेक्ट नहीं करती है, इनमें सींग जो है एक बार गिरने के बाद में वापस नहीं उगते हैं। तो युद्ध के दौरान ये असुरक्षित मादाओं को अन्य नर अपने आधिपत्य में ले लेते हैं, और विजयी हिरण जो है वो उस एरिया के ऊपर अपना अधिकार जो है वो कर लेता है। ये फिरामोन के द्वारा अपने एरिया को मार्क करके रखते हैं, टेरिटरी मार्किंग जो हमने पहले पढ़ा है फिरामोन में। तो ये जो एक ग्रुप बनता है इसका, इसमें प्रजनन योग्य परिपक्व मादाएं रहती हैं, और एक जो डोमिनेंट मेल होता है वो इनसे कॉपुलेशन करता है, और एक नर एक बार में 5 से 7 मादाओं से संबंध जो है वो बनाता है, और शिशु के जन्म होने के बाद शिशु और मादा की रक्षा करने का काम उस ग्रुप लीडर यानी कि उस नर का ही होता है। और जब शिशु वयस्क हो जाता है तो नर सदस्य जो है वो समूह को त्याग करके एक ऑल मेल ग्रुप के अंदर चले जाते हैं, जहां से वो किसी दूसरे हरम के ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो जो छोटा बच्चा है हिरण का, वो जन्म के पश्चात पहले साल में जो विंटर आती है उसके सिर पर 2 घुंडीनुमा संरचनाएं जो है वो विकसित हो जाती है, जिनसे कि बाद में इसमें लगातार सींगों का विकास जो है वो होता है, और इसको पूर्ण विकसित होने में लगभग 100 डेज का टाइम जो है वो लगता है। तो फिर जैसे ही शीत ऋतु आता है तो इनके सींग आधार भाग से ब्रिटल जो है वो हो जाते हैं, प्राय कैल्शियम की कमी के कारण से ये होता है, लेकिन फिर से नवीन सींगों का निर्माण जो है वो उनके ऊपर होने लग जाता है। तो इस तरह कारण से सींग जो है वो शाखा युक्त जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि नए जो सींग उगेंगे वो अलग बड से निकलते हैं। तो इनकी शाखाओं की गणना करके हरिण की आयु का 7 वर्ष तक तो अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष की आयु के बाद इनके सींग की शाखाओं में वृद्धि नहीं होती है, तो हम इनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो हिरण जो है वो आकार में छोटे होते हैं, तो इनकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होती है, इसके कारण से इनका पोषण जो है वो सेलेक्टिव होता है, और ये कम मात्रा में भोजन करते हैं लेकिन पोषक चीजों का भोजन ये करते हैं, जैसे कि छोटी कोंपलें होती है, बीज होते हैं, फल होते हैं,
और अपना एक टेरिटरी बना करके रखते हैं, जहां पर ये एक या दो जोड़ियों में रह करके और परभक्षी शत्रुओं से कंसीलमेंट के द्वारा, कंसीलमेंट का मतलब इनके रंग और वातावरण में ये घुल मिल जाते हैं रंग के कारण से, और इस तरह से अपनी रक्षा ये करते हैं। लेकिन अगर जंतु जो बड़े आकार के होते हैं उनमें सेलेक्टिव नहीं हो पाता, तो वो भोजन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। ओके, तो मेमल्स में अगर हम बात करें तो प्राइमेट्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सबसे रुचिकर विषय है प्राणी शास्त्र में, प्राइमेट के जंतुओं का अध्ययन करना, इनके व्यवहार का अध्ययन करना। प्राइमेट्स में आपके मंकी और एप्स जो हैं वो आते हैं, जो कि मानव से उनका निकट का संबंध है इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो अनुसंधान वगैरह जो किए जाते हैं रिसर्च, वो भी मानव की जगह पर हम दूसरे प्राइमेट्स को ही काम में लेते हैं, और उसके बाद में उनमें जो रिजल्ट आते हैं उससे हम मानव के ऊपर जो है उनको काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले 1920 या 1930 के बीच में एक जो डेकेड था, ये दशक था, इसमें प्राइमेट जंतुओं के व्यवहार पर अनुसंधान जो है वो प्रारंभ किए गए। सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक वुल्फगैंग कोहलर जो थे, उन्होंने चिंपेंजी पर बहुत सारे प्रयोग किए, और इसी तरह से रूस के नादेल कॉट्स ने मानव और चिंपेंजी के बच्चों में व्यवहार का एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया था। इसी प्रकार से यूके में लंदन के सॉली जुकरमैन ने बबून के सामाजिक व्यवहार के ऊपर अनुसंधान किए हैं। तो ये दो तीन नाम जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और एक नाम और है जेन वॉन गुडाल, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, चिंपेंजी के उन्होंने व्यवहार का अध्ययन जो है वो किया था। तो प्राइमेट ऑर्डर जो है उसके अंदर बंदर और एप जिनकी लगभग 200 प्रकार की जातियां हैं, और इनको 13 फैमिली के अंदर डिवाइड किया गया है, और इन ऑल इन 13 फैमिली को 4 ग्रुप के अंदर बांटा जाता है। सबसे पहला है आपका प्रोसोमियंस, जैसे कि आपका लीमर और लॉरिस इसके अंदर आते हैं, और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज या कैटराइना कहा जाता है इनको, जिसमें कि लंगूर और बबून और मकाक्स जो हैं वो आते हैं। इसी तरह से न्यू वर्ल्ड मंकीज में प्लेटीराइना और मार्मोसेट्स, उकारीस, टेमेरिन्स और हाउलर मंकीज। हाउलर मंकीज जो है वो इनको ये लगातार हाउलिंग करते रहते हैं, यानी कि लगातार आवाज करते रहते हैं कूदते फांदते हुए, इसलिए इनको हाउलर मंकी जो है वो कहा जाता है। चौथा ग्रुप हो जाता है आपका एंथ्रोपोइड्स, मानव के जैसे दिखने वाले, जैसे गिबन्स हो गया, चिंपेंजी, गोरिल्ला और ह्यूमन बींग्स, हम भी इसी के अंदर एंथ्रोपोइड्स के अंदर आते हैं। साउथविक और सिद्दीकी ने 1974 में प्राइमेट के समाज को 6 प्रकारों के अंदर बांटा है। एक तो हो गया आपका एकल, जैसे कि ऑरंगउटन्स, इनमें मादा ऑरंगउटन और इसका शिशु जो है वो अपवाद हो सकते हैं कि ये दोनों एक साथ रहते हैं, बाकी ज्यादातर ये जंतु जो हैं वो अकेले पाए जाते हैं। दूसरा मोनोगेमस, जिसमें वयस्क सदस्यों के साथ इसके नवजात शिशु रहते हैं, उदाहरण हो गया आपका इसके अंदर गिबन्स। तीसरा जो प्रकार है इसका वो है स्थायी मादाओं सहित एकल नर समूह। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल मेल होगा ग्रुप में और उसके साथ में उसकी फीमेल्स जो है वो पाई जाती हैं। इनके साथ साथ इनके कुछ शिशु जो हैं बच्चे भी वहां पर होंगे, मेल एक ही होगा, फीमेल कई सारी हो सकती हैं, और जैसे कि पोटास मंकी जो हैं वो इसमें आते हैं। एक आता आपका एकल नर समूह और इनकी मादा और शिशुओं का सम्मिलित परिवार अगर हो, एग्रीगेट सिंगल मेल ग्रुप विथ बॉन्डेड फीमेल एंड ऑफस्प्रिंग, जैसे कि बबून हो गया है आपके। देन मल्टीपल मल्टी मेल ग्रुप या बहनर समूह इसको कहा जाता है, जैसे कि रिसेस वानर। इसमें क्या होगा कि मल्टी मेल ग्रुप ये होता है कि इसमें एक से अधिक नर जो हैं वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, देन विसरित या छित्रित समाज, डिफ्यूज सोशल उदाहरण, जैसे कि चिंपेंजी जो है उनमें ऐसा कोई एक क्लियर कट नहीं पाया जाता है कि मेल और फीमेल ही इसके अंदर साथ में रहेंगे। तो वानरों में अगर हम देखें, वानर शब्द ज्यादा उपयुक्त है इसके लिए, तो हाईएस्ट ऑर्डर उच्च कोटि का सामाजिक व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सभी प्राइमेट जंतुओं में एक डोमिनेंस हायरार्की पाई जाती है। ये क्या होता है इसको समझिए आप, कि ये एक प्रभावी होगा, उससे कम वाला जो होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, इस तरह का एक अनुक्रम जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। जो डोमिनेंट मेल होता है वो उस समूह का मुखिया होता है, और वो उस समूह में पाई जाने वाली मादाओं और बच्चों की रक्षा करने का काम जो है वो करता है। जब भोजन सामग्री अवेलेबल होती है तो सबसे पहले जो प्रभावी जंतु हैं वो इसका उपयोग करते हैं, और उनके पेट भर जाने के बाद ही
जो पदानुक्रम में यानी सीक्वेंस में नीचे जो इंडिविजुअल आ रहे हैं उनको भोजन का अवसर जो है वो प्राप्त होता है। और बंदरों में आपने ये देखा होगा, हमारे जो काले मुंह के बंदर हैं उनमें भी, कि ये एक दूसरे की ग्रूमिंग करते हैं, यानी बालों की साफ सफाई करने का काम ये यहाँ पर करते हैं। और इसमें भी डोमिनेंस हायरार्की जो है वो पाई जाती है। तो ग्रुप में रहने की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो बूढ़े और अनुभवी सदस्य होते हैं उनसे व्यावहारिक संबंध, लैंगिक क्रिया और अन्य ज्ञान के का अर्जन वो इसके द्वारा करते हैं। तो प्राइमेट में अनेक जातियों को कई बार अपने जीवन काल का अधिकांश भाग एक निश्चित सीमा या अपनी टेरिटरी के अंदर ही बिताते हुए देखा गया है कि वो उस टेरिटरी से कभी बाहर नहीं निकलते हैं। वानरों का एक समूह अन्य समूह को अपनी स्थिति का ज्ञान कराने के लिए एक विशिष्ट ध्वनि का उत्पादन जो है वो करता रहता है, यानी आवाजें निकालता रहता है, और इसको हम सोशल सिग्नल्स जो है वो कहते हैं। इनमें कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो अधिक विकसित प्रकार का पाया जाता है। तो ये क्या है कि कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे को सूचनाएं देना। इनकी इन्हीं क्रियाओं के कारण से समूह बनते हैं और एक जंतु अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के से संपर्क जो है वो इनसे बनाता है। मेमल्स खास करके प्राइमेट्स में ये क्रिया विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राएं बना करके, जैसे बंदर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो अलग अलग प्रकार से अपने मुंह को जो है वो बनाता है, या अलग अलग प्रकार के पोस्चर बना करके वो कुछ सूचनाएं जो है दूसरे को देता है, या समय समय पर वो कुछ ध्वनि उत्पन्न करके, स्पर्श करके या गंध के द्वारा इसको अभिव्यक्त जो है वो करता है। मनुष्य में भावनाएं जो हैं या चेहरे के हाव भाव जो हैं उनका सबसे अधिक विकास जो है वो हुआ है, क्योंकि हमारे चेहरे पर विशेष प्रकार की पेशियों का विकास हुआ है। जैसे कोई अगर खुश है तो आप उसको देख, चेहरे को देख करके, उसके हाव भाव देख करके हम पता लगा सकते हैं, उदास है या गुस्से में है, तो चेहरे के मुद्राओं को देख करके और हम इसको पता लगा सकते हैं। और मनुष्य में वाणी का जो प्रयोग है अर्थात बोलने की क्षमता जो है, उसने हमारे विकास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसके कारण से हम सबसे अधिक विकसित प्रकार के प्राणी माने जाते हैं। तो प्राइमेट्स में सामाजिकता का व्यवहार मजबूती से विकसित हुआ है। इसमें सोचने समझने की क्षमता, मस्तिष्क हमारा उसका आकार जो है वो अन्य प्राणियों से तुलनात्मक रूप से बड़ा है। कम्युनिकेशन के साधन और अंगूठा और कलाई का विकास जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करता है। तो प्राइमेट में जो सामाजिक व्यवहार हैं उनमें कुछ विशिष्ट गुण हम देख सकते हैं, जैसे कि समूह का आकार उतना ही बड़ा होता है कि उसके सदस्यों को आसानी से भोजन और विश्राम की जगह मिल सकती हो। जैसे गिबन्स और मार्मोसेट्स के समाज में सबसे कम संख्या में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा समूहों के सदस्यों का निर्धारण सामाजिक रीतियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इस समूह में कौन कौन से सदस्य रहेंगे, ये उस समूह में पाई जाने वाली रीतियों के द्वारा निर्धारित होता है। और समूह जो है वो जहां पर वो रह रहे हैं, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, वहां से वो अच्छी तरह से हैबिचुअल होते हैं, और इसी कारण से ये अधिक सक्सेसफुल जो हैं वो हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि खुले मैदान में रहने वाले बंदर जो हैं वो जंगली जीवन के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं, इसी तरह से जंगलों में पाए जाने वाले जो बंदर हैं वो खुले मैदान के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, वो वहां पर नहीं रह सकते हैं। प्राइमेट्स में सजातीय जो सदस्य हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जो कि एक निश्चित सीमा में ही रहते हैं, और प्रत्येक सदस्य को अपने आवास की भोजन कहाँ मिलेगा, क्या वहाँ पर डेंजर है, उसको खतरा है, और उसके साथ साथ जो पास में जो दूसरे समूह रह रहे हैं उनके बारे में भी इनको जानकारी जो है वो रखनी होती है या इनको होती है। तो किस प्रकार से करते हैं ये, कि ये निरंतर अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं और अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, और उसका उपयोग ये अपने समाज और स्वयं की दिनचर्या में करते हैं। तो प्राइमेट जो है वो अन्य सदस्यों की गतिविधियों का पूरी तरह से अनुसरण नहीं करते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट मेल है वो जो संदेश दे रहा है उसको अवश्य माना जाता है, और उसके अनुसार ही वो अपनी क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। और जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है इनका, हाव भाव और ध्वनि के द्वारा, उससे ये एक दूसरे के संपर्क में बने हुए रहते हैं। देन कि जो नॉलेज है उसका ट्रांसमिशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
जाता है। ये देखा गया कि प्रयोगशाला में अगर बंदरों को पालते हैं तो जो ग्रूमिंग है उनमें उनमें कमी आ जाती है और एग्रेशन जो है वो इनका बढ़ता है, जो कि प्रकृति में रहने वाले जो दूसरे इनके सदस्य हैं उनसे ये अलग हो जाता है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जंगलों और खुले स्थान में रहने वाले जो बंदर हैं वो वरिष्ठ जो सदस्य हैं, बूढ़े जो सदस्य हैं, ओल्ड एज जो हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान का अर्जन ये करते हैं, जो कि प्रयोगशाला में पाले गए जो जंतु हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। प्राइमेट में डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ डोमिनेंस हायरार्की होती है और डोमिनेंस में लिंग, आयु और बल जो है वो मुख्य प्रभाव जो है वो रखते हैं। तो समाज में अपने इस पोजीशन के कारण से ही प्राणी जो है नए भोजन और जल के स्रोतों की तलाश करता है, सुरक्षा करता है, शिशुओं का पालन पोषण करता है और इन व्यवहारों को ये अभिव्यक्त वहाँ पर करता है। तो समाज के कुछ प्रमुख लक्षण और विशिष्टताओं का वर्णन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे एक एक उदाहरण देखते हुए। जैसे ये आपका इंडियन लंगूर है, इसको हनुमान लंगूर कहते हैं। जे ने 1962 से 65 तक उत्तर भारत के इंडियन लंगूर प्रेसबाइटिस एंटिलस, नाम याद रखिए इसका, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेसबाइटिस एंटिलस के सामाजिक व्यवहार के ऊपर अध्ययन किया था। तो जनरली अगर हम देखें तो जो हनुमान लंगूर हैं उनमें एकल नर द्विलिंगी समूह जो है वो पाया जाता है, एक डोमिनेंट मेल होता है और उसके अंदर वयस्क और अवयस्क मादा और शिशु यहाँ पर पाए जाते हैं। सदस्यों की संख्या वेरी करती है, 20 से लेकर के 100 तक ये हो सकती है और इस ग्रुप में जो डोमिनेंट मेल है, मुखिया जिसको हम कह रहे हैं, वो सर्वे सर्वा होता है और सभी गतिविधियों का संचालन ये करता है। इस समूह में दूसरे जो नर होते हैं वो किशोरावस्था तक या तो स्वयं ही अपना इस समूह को छोड़ देते हैं और एक ऑल मेल ग्रुप बना लेते हैं, या जो वयस्क नर है, जो डोमिनेंट मेल है, वो उनको उस ग्रुप से हटा देता है। तो इसके कारण से ये अपना एक अलग ग्रुप जो है वो बना लेते हैं। तो इस तरह से अगर ये जो ऑल मेल ग्रुप है वो उस अपने समूह से अगर इनका आमना सामना होता है या किसी दूसरे समूह से इनका सामना होता है, तब उनमें जो नर होता है उनमें एक लड़ाई होती है और इसमें अगर वो डोमिनेंट मेल जो है वो हार जाता है तब जो दूसरा जिसने उसको चैलेंज किया था वो उस ग्रुप के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। इस प्रोसेस को टेक ओवर कहा जाता है। लंगूर जो है वो दिन के समय मैदानों में रहते हैं और रात्रि के समय पर ये कोई सुरक्षित स्थान देख करके और वहाँ पर विश्राम जो है वो करते हैं। इनको लगातार भोजन करना पड़ता है और लंगूर में भी डोमिनेंस हायरार्की जो है वो अन्य प्राइमेट जातियों की भांति ही हम देख सकते हैं। तो इसमें मल्टीमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप का निर्माण हनुमान लंगूर जो है वो करते हैं, कुछ नरों के साथ बहुत सी मादाएं और उनके शिशु जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट मेल क्या करता है ये हमने देखा है, इसमें डोमिनेंट हायरार्की जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नवजात शिशु को जन्म के बाद में जो साधारण प्रभावी मादा जो है वो अपने इस पद से अपने आप को अलग कर लेती है और नवजात शिशु की देखभाल जो है वो दूसरी मादाएं भी सावधानी के साथ में करती है, इसको आंट बिहेवियर कहा जाता है। मेल जो है वो शिशुओं की देखभाल में बहुत कम रोल प्ले करते हैं, बहुत कम भागीदारी इनकी होती है और लंगूर के समाज के मध्य में इस प्रकार के इंटरेक्शन से घनिष्ठ संबंध जो है वो सदैव बना हुआ रहता है। इसके बाद हम कुछ और दूसरे उदाहरण लेते हुए इनकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।